हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एजीआई इन एनएआई सॉल्यूशन इज लेस देन दैट इन प्योर वाटर बिकॉज। चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। आपने इन्होंने क्या कहा है कि आपने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एनएआई का सॉल्यूशन सोडियम आयोडाइड का, ठीक है। ये एक सॉल्ट है और ये सॉल्ट कैसा है, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है, यानी कि ये कैसा होगा, ये आयन के फॉर्म में होगा, Na पॉजिटिव एंड I नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से सॉल्ट ये सॉल्यूशन इस कंटेनर के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, AgI डाल दिया। AgI एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब ये जब डिसोसिएट करता है तो यहां पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, A पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव एंड I नेगेटिव का, ठीक है। मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड फॉर्म्स क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं एक दूसरे के साथ में। सो कह रहे हैं कि एजीआई की सॉल्युबिलिटी एनएआई के सॉल्यूशन में लेस होती है देन दैट इन प्योर वाटर। अगर मैंने प्योर वाटर ले लिया एनएआई की जगह पे तो ज्यादा हो जाएगी एजीआई की सॉल्युबिलिटी, क्यों? तो अब इसमें आप कॉमन क्या चीज नोटिस कर रहे हो कि एजीआई जब पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है तो एक कॉमन आयन दे रहा है आई पॉजिटिव, सॉरी आई नेगेटिव, एंड एन ए आई जो कि कंप्लीट एसोसिएट होता है तो वो भी सोल्यूशन के अंदर क्या प्रोवाइड करा देता है, आई नेगेटिव प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। तो दो आयन्स क्या है, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन आयन्स है। अब एन ए आई की वजह से जो आई नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो तो हमेशा सेम रहेगी, वो तो कंप्लीट एसोसिएट हो चुका है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, वो हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर एजीआई डालोगे, एजीआई में इक्विलिब्रियम है तो ये जो कॉमन आयन होने की वजह से क्या होगा, आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, और जब भी आपके आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, हमेशा अनडिसोसिएटेड फॉर्म की तरफ चले जाएगा, एजीआई की तरफ। सो इस वजह से एजीआई की सॉल्युबिलिटी हमें कम नजर आती है। सो दिस होल प्रोसेस इज बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। सो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए में लिखा है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, नहीं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एजीआई इज लेस देन दैट ऑफ एनएआई। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बिल्कुल सही है कि कम होता है, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन, द रीजन इज कॉमन आयन इफेक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कम क्यों हो रहा है एजीआई का, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हो रहा है, अंदर जो फिनोमेना चल रहा है वो ये चल रहा है, ठीक है। और डी में लिखा है एजीआई फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद एनएआई, सो ये भी यहाँ से ऑप्शन गलत हो जाएगा, ओनली सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।